आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और समर्स की ड्रिंक, जरूर ट्राई कीजिएगा। ज्यादातर सऊदी अरब में बहुत ज्यादा पी जाती है, इसराइल में इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं अमेरिका गई थी काफी दफा, वहां पे जो कैफेज हैं वहां पे सर्व की जाती है। इट्स रियली रियली रिफ्रेशिंग। रमजान आ रहा है तो उसमें ये ड्रिंक्स की बहुत जरूरत होती है। चीजें आपको दिखाते हैं। आपको चाहिए होगा फ्रेश मिंट इसके लिए, यानी कि पुदीना आप उनके जो स्टॉक से उतार लें, उसको अच्छी तरह वॉश कर लें। सो दैट्स फ्रेश मिंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आइस की इस्तेमाल की जाएगी। इसमें पानी बहुत थोड़ा, शुगर यानी कि चीनी, फ्रेश लेमन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आपके सामने स्क्वीज़ कर लें, उसके पिप्स निकाल के साइड पर रख दें। आपको दिखाते हैं इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप एक ब्लेंडर का जग लेंगे, उसमें तमाम जो आपका मिंट है फ्रेश हुआ बीच में ऐड कर लेते हैं। साथ ही बीच में जा रहा है यहाँ पर फ्रेश लेमन जूस। देखिए चीनी का जो हिसाब है उसी तरह, जिस तरह आप, आपको मैंने सिखाया है कि स्कंजबी किस तरह बनती है, आपने उसी तरह इसको रखना है। सिर्फ इसमें एडिशन जो होती है मिंट की होती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है। और हाजमे के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये मिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर जो लोग स्लिम होना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, आप चीनी को ओमिट कर दें, बीच में से हनी इस्तेमाल कर लें, और ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैक टू द रेसिपी अगेन। एनीवेज, मिंट चला गया, लेमन जूस चला गया, बीच में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चीनी। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर जो स्वीटनेस होते हैं। और इसमें जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इसको पहले हम ब्लेंड कर लेते हैं। देख लें परफेक्टली, आपने सबसे पहले इन चीज़ों को ग्राइंड कर लें, ताकि जो बीच में मिंट के लीव्स हैं परफेक्टली बिल्कुल जो है ग्राइंड हो जाने चाहिए। यहाँ पर आप जो है इसमें लेमन और चीनी का जो है जायका चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए आप और मीठा डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस खुद करना होगा, लेकिन जो मैं आपको इंशाल्लाह रेसिपी, आप जब देखेंगे फुल इंग्रेडिएंट्स उसकी, तो परफेक्ट रेसिपी आपको दूंगी, कोशिश यही होती है। अब आपने क्या करना है, जितनी भी आइस आप डालना चाहते हैं, जितनी आइस डालेंगे यकीन जाने इसका जायका और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। लुक्स लवली और आपको ठंडक में जाता है। तो आइस डाल लेते हैं और अच्छी तरह इसको तब तक क्रश करेंगे जब तक कि आइस की आवाज़ बिल्कुल ग्राइंडर में ख़त्म हो जानी चाहिए। इसका टेक्सचर जिस तरह आप स्लश लेते हैं कि बिल्कुल आइस क्रश हो जाती है, ये वो है। और इस वक्त इसका जायका इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ट्राई आपने ज़रूर करना है, मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। अब इसको जो है हम ग्लासेस में सर्व कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा जिन ग्लासेस में आपने को सर्व करना है उन्हें आप ऑलरेडी फ्रिज में रख दें, कि वो थोड़े से चिल हो जाते हैं और खूबसूरत भी लगता है सर्व करते, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी है। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह सर्व से इसी किससे सर्व कर सकते हैं। लेमन के वेजेस साइड पे लगा लें, थोड़ी सी डेकोरेशन कर लें। इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है, ताकि जो क्रश्ड आइस है बिल्कुल स्लश की तरह ये महसूस होता है, और इसका जायका और इसके जो फायदे हैं बहुत ज़्यादा हैं मिंट के। जरूर ट्राई कीजिएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स की आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, विच इज़ कुक विद फाजा.net पर। बनाएं, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।